The goal of a successful trader is to make the best trades. Money is secondary by Alexander Elder. Currency Pre Market में आप सभी का स्वागत है. आज है 10th of June 2022. आज का इंपॉर्टेंट है यूएस सीपीआई. इसके लिए मार्केट इंतजार कर रहा है. डॉलर इंडेक्स अभी है 103.24. ये पार्टिकुलर रेजिस्टेंस लेवल को भी तोड़ के ऊपर की तरफ चला गया है. ये जो प्राइस रिजेक्शन था ऑन 7th of June, उसके ऊपर ही जाके कन्विंसिंगली क्लोज दिया है. एंड अभी ये ट्रिगर बाकी है द यूएस सीपीआई. अभी अगर सीपीआई डेटा बहुत ही खराब आते हैं, देन ये और भी ऊपर चला जाएगा. अगर बेटर देन एक्सपेक्टेड आते हैं, मे बी यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट हो सकते हैं ऑन डॉलर इंडेक्स. डॉलर रुपी अभी आपका 77.80 में था, जो कल यहाँ पे डेटा के हिसाब से है. एंड ये कंसोलिडेशन के रेंज के अंदर में ही बैठे हुए हैं. हमें अभी आज के डेटा के लिए काफी इंतजार होगा, बिकॉज उसके ऊपर देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज के ये रेंज को ब्रेक करके ऊपर की तरफ जाएगा या थोड़ा सा सेल ऑफ होके फिर लोअर एंड ऑफ द रेंज में आएगा. जीबीपी डॉलर में हम देखेंगे. जीबीपी डॉलर में आपका कल एक सेल ऑफ आया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.2558 एंड 1.2487. जैसे कि हम कल भी डिस्कस कर रहे थे कि ये कंसोलिडेशन के बाहर जाना पड़ेगा जीबीपी डॉलर को, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम ट्रेंडेड मूव आइदर ऑन द अपसाइड और ऑन द डाउनसाइड. यूरो डॉलर देखेंगे कि कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ हुआ है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 1.0773 एंड 1.0611. कल इसी भी का रेट डिसीजन था, जहां का की पॉइंट था कि एनुअल कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन अक्रॉस 19 मेंबर यूरो एरिया हिट ए फ्रेश रिकॉर्ड हाई ऑफ 8.1% इन मई. फॉलोइंग इट्स लेटेस्ट मॉनेटरी पॉलिसी मीटिंग द गवर्निंग काउंसिल अनाउंस दैट इट इंटेंड्स टू रेज इट्स की इंटरेस्ट रेट बाई 25 बेसिस पॉइंट्स एट इट्स जुलाई मीटिंग. पॉलिसी मेकर्स फेस द चैलेंज ऑफ रेनिंग इन इन्फ्लेशन विदाउट कंपाउंडिंग द इकोनॉमिक स्लोडाउन रिजल्टिंग फ्रॉम द वॉर इन यूक्रेन एंड एसोसिएटेड सेकंड सेंस. तो देखते देखते आपका आरबीआई पॉलिसी चला गया है, बीओई का ईसीबी का रेट डिसीशन हो चुका है और आज का आपका यूएस सीपीआई डेटा है एंड फॉलोड बाय 15th ऑफ जून का एफओएमसी मीटिंग्स, दैट मींस द फेड का पॉलिसी डिसीशंस. तो इसके बाद ही एक पार्टिकुलर, यानी 15th जून के बाद ही एक पार्टिकुलर ट्रेंडेड मूव हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं ऑन ईच एंड एवरी करेंसी पेयर. तो यूरो डॉलर में अभी थोड़ा सा इस आज सीपीआई तक थोड़ा सा ज्यादा कुछ मूवमेंट होगा नहीं. सीपीआई के बाद ही कुछ ट्रेंडेड मूव हो सकता है. अगर इसको ऊपर जाना है तो ये जो एक ट्रेंड लाइन हमने डाला है ऑन आरएसआई, इसके ऊपर क्लोज देना पड़ेगा, एल्स नीचे की तरफ जाने का थोड़ा सा सेल ऑफ होने का संभावना हो सकता है. अगर हम डॉलर येन देखेंगे, डॉलर येन अभी है 134.09. बेसिकली आप देखोगे जैसे कि हमने एक फिब रिट्रेसमेंट डाला था, जहां पे हमारा दो लेवल था, एक था यहाँ पे 132.58 के एंड दूसरा वाला था 134.27. एंड मेजिकली इसी लेवल पे आके कल पॉज, परसों भी क्लोज दिया और कल भी पॉज लिया. अभी हमें देखना है
प्राइस कन्विंसिंगली इसके ऊपर चला जाता है, देन देयर इज नो प्रोबेबिलिटी ऑफ रिट्रेसमेंट डाउनवर्ड. अगर यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्मेशन होता है एंड उसके नीचे फॉलो थ्रो देता है, देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज की नीचे की तरफ सेल ऑफ हो सकते हैं. दैट इज व्हाई दिस पर्टिकुलर लेवल इज वेरी क्रूशियल. जीबीपी आईएनआर में देखेंगे, कल एक सेल ऑफ आया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 97.75 एंड 97.20. ये रेंज में अटक गया है एंड कंसोलिडेशन इसके अंदर में ही थोड़ा सा ट्रेड करने का एक्सपेक्टेशन से. तो जब तक इस रेंज के बाहर नहीं जाता है, ऑन द हायर साइड 98 एंड लोअर साइड आपका 96.70, तब तक इसके अंदर में ही साइडवेज चॉपी एंड वॉलेटाइल मूवमेंट्स एक्सपेक्टेड है. अगर हम यूरो डॉलर देखेंगे, यूरो डॉलर में फॉलोड बाय दैट ईसीबी रेट डिसीजंस, अच्छा खासा उसके बाद अच्छा खासा सेल ऑफ देखा गया एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 83.73 एंड 82.60. तो यहाँ पे देखोगे कि एक रेंज यहाँ पर भी बैठ गया है. ये यूएस सीपीआई डाटा से पहले तोड़ने वाला नहीं है, उसके बाद ही एक कुछ डिसाइसिव डायरेक्शन हो सकता है, आइदर ऑन द लोअर साइड और ऑन द हायर साइड. जेपीवाई आईएनआर देखेंगे कि आपका यहाँ पे बैक टू बैक ये जो लो है उसमें रुक रहा है. अभी आपका इस 8 जून के जो हाई के ऊपर अगर क्लोज दे देता है, देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट सम सॉर्ट ऑफ रिट्रेसमेंट्स एंड 8 जून के लो के नीचे फॉलो थ्रू होना क्या प्रोबेबिलिटीज है. अगर हम डॉलर कैंडी देखेंगे, डॉलर कैंडी ये लेवल के बाद काफी ऊपर की तरफ आ चुका है एंड अभी एक सेंटर बैंड के यहाँ पे. अभी एक यहाँ पे एक आपका रेजिस्टेंस है, जैसे कि हमने ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड वीडियो में डिस्कस किया, प्राइस लोअर बैंड से सेंटर बैंड में आ चुका है. अगर ये सेल ऑफ करना है तो यहाँ पे आपका जैसे ही ये सेंटर बैंड में आया है, हमें इसका ट्रेडिंग सेटअप कैसे होगा, हमें यहाँ पे एक 4 आवरली लोअर टाइम फ्रेम 4 आवरली हो गया, यहाँ पे हमें एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट ड्रॉ करना है जो आपका यहाँ पे है, यानी इसके नीचे क्लोज देगा ऑन 4 आवरली बेसिस. इन सच ए सिनेरियो आपका ये टारगेट हो सकता है. इसीलिए आप नोटिस करोगे जब भी अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट नहीं करके इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज दे देता है, आई विल गिव ए ट्रेडिंग कॉल कि नाउ डॉलर कैंडी इज हेडिंग टुवर्ड्स 1.2500. अभी मैं कुछ नहीं बोलने वाला हूं, यही है सिंपल ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का ट्रेडिंग स्ट्रेटजी. अगर ऑसी डॉलर देखेंगे, ऑसी डॉलर में कल एक अच्छा खासा सेल ऑफ दिखा गया है एंड इट ट्रेडेड इन बिटवीन 0.7188 7197 एंड 7093. तो यहां पर भी एक सेंटर बैंड के यहां पे आया है, लेकिन इसका क्लोज नीचे दिया है, ये सेंटर बैंड को डैमेज कर चुका है. तो इसमें मैं आपका एक इसका लोअर टाइम फ्रेम जो है, मैं यहां पे ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड नहीं बनाऊंगा, ऐसा करके ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड नहीं बनाऊंगा. व्हाई? बिकॉज़ ये ऑलरेडी नीचे क्लोज दिया है, तो यहाँ पे ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड का इतना सक्सेसफुल नहीं होगा. हो सकता है कि प्राइस यहाँ से फिर दोबारा आ जाए, बट द सेटअप इज नॉट परफेक्ट. डॉलर सीएनएच में आप देखोगे अभी यहाँ पे आके रुका है 9 जून का प्राइस सेक्शंस. यहाँ पे भी हमारा एक ड्यूअल पीरियड बोलिंजर बैंड बन सकता है, क्योंकि देखिए ये कल ऊपर क्लोज नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे एक 4 आवरली पे एक ट्रेंड लाइन सपोर्ट खींचेंगे और जैसे ही प्राइस आज इसके लो के नीचे क्लोज देगा तो हम
एक ट्रेडिंग कॉल बनाएंगे जहां पे ये 6.6350 के तरफ टारगेट के लिए आना चाहिए। आएगा बोल के वी कैन नॉट डायरेक्ट द मार्केट, बिकॉज अल्टीमेटली द मार्केट इज सुप्रीम। वी कैन से दैट देयर इज एन हायर प्रोबेबिलिटी दैट द प्राइस मे फॉल टुवर्ड्स 6.6250, और इन अदर वर्ड्स सीएनएच में स्ट्रेंथन अगेंस्ट द डॉलर प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। यूके ऑयल देखेंगे, आपका कल एक यहाँ पे नेगेटिव कैंडल फॉर्म हुआ है एंड आज एशियन मार्केट पे थोड़ा सा सेल ऑफ दिख रहा है, तो वही 124 एंड 107 इसके बीच में ही अभी अटका हुआ है। जब तक एक कन्विंसिंगली ट्रेडिंग सेटअप नहीं मिलता है तब तक ये साइडवाइज हमारी तरफ से कोई एक ट्रेंडेड मूव का एक्सपेक्टेशंस नहीं है। यहाँ पे एक बन सकता है, अगर ये ट्रेंड लाइन के नीचे आरएसआई क्लोज दे देता है देन देयर आर हायर प्रोबेबिलिटीज कि ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। यूके ऑयल, यूएस 10 ईयर ट्रेजरी काफी स्ट्रॉन्ग आ चुका है यहाँ पे आने के बाद। यहाँ पे देखिए कि ये जो तीन बैक टू बैक पॉज कैंडल्स, इट वाज ए डिसाइसिव लेवल आइदर टू कंटिन्यू द डाउन ट्रेंड और टू ब्रेक द डाउन ट्रेंड। यहाँ पे ब्रेक करके ऊपर की तरफ रिवर्स किया है एंड आज का सीपीआई के डेटा के ऊपर फिर दोबारा ये इसमें चैलेंज करेगा या नीचे की तरफ रिट्रेस करेगा। ये सीपीआई डेटा के बाद ही हम सोच देख पाएंगे। तो करेंसी प्री मार्केट एनालिसिस अभी के लिए इतना ही। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।